तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में क्या अपडेट चल रहा है उसको लेकर के बहुत बच्चों ने ईमेल किया और फिर फ़ोन से भी वार्ता की, सर इस पे एक वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को यह इन्फॉर्मेशन मिल सके कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होंगे, पेपर कैसे आएंगे, अवधि कितनी होगी और फिर टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होगा, कितना पासिंग मार्क और क्या क्या करना पड़ेगा, हर विषय का अलग होगा। तो आज हमारे साथ हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के एचओडी मनीष सर हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर चलें हमारे साथ, 10 मिनट की वीडियो बनाएं, तो सर आए हैं। मैं सर से कुछ पूछना चाहूँगा, जैसा कि बच्चों का क्वेश्चन जो जो आया था मेरे पास मैंने नोट कर लिया है, अब वही मैं सर से पूछूंगा और सर जहाँ तक हो सके मुझे जानकारी साझा करेंगे। मनीष सर, तो सबसे पहले सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यह एग्ज़ाम कौन से ईयर के स्टूडेंट का होगा, आप ये कंफर्म करा। यह एग्ज़ाम जो बच्चे पास हो रहे हैं अभी, जो 2022 में पास होंगे, 21-22 सेशन के जो बच्चे अभी पेपर दिए हैं पास होंगे, उनका भी यह एग्ज़ाम होगा और इसके बाद निरंतर चलता रहेगा। तो ये सर एक इस पर एक डाउट, और जैसे जो बच्चे पीछे पास हुए हैं उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो क्या उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा? नहीं, उनको एग्ज़ाम नहीं देना होगा, लेकिन वह बच्चे अप्लाई कर लें। अच्छा, जो 2022 के पहले के? हाँ, वो बच्चे अप्लाई कर लें। ये कन्फ्यूजन हो गया, देखिए दूर हो गया। उसके बाद सर पेपर के लिए विषय कौन कौन से होंगे, जो विषय से आप पेपर आएंगे? विषय देखिए, आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे विषय होंगे, कुछ एडिशनल विषय को छोड़कर। जैसे जो आपके पेपर में आने वाले हैं उन सब्जेक्टों को मैं नाम बता देता हूं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस और बायोकेम DSBM। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आपके टोटल 8 सब्जेक्ट आने वाले हैं पेपर में। अच्छा सर, पेपर की अवधि क्या रहेगी, कितने घंटे का पेपर यह निर्धारित किया गया है PCI के द्वारा? यह पेपर 3 घंटे की होगी, 3 घंटे निर्धारित किया गया है। सर पासिंग का क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव का क्या पैटर्न बनाया गया है? पैटर्न जो है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पी, जी 3 घंटे में आपको करना होगा, और यह लैंग्वेज इसका इंग्लिश में होगा, पूरा इंग्लिश रहेगा, हिंदी में टोटल इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें हिंदी नहीं आएगा। तो सर एक जानकारी और मैं बच्चों को साझा करना चाह रहा हूँ कि ये जो पैटर्न इंग्लिश में होगा तो क्या यह OMR बेस कराया जाएगा या फिर CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो इसके बारे में कुछ यदि जानकारी हो तो कृपया जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको आप साझा करें। अभी इसकी कोई नोटिस नहीं आई है, इतना नोटिस है कि यह एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराने वाला है वो PCI खुद कराएगा, किसी संस्था को ऑर्गेनाइज नहीं करेगा। दिया नहीं है, किसी संस्था को ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, देगा नहीं, वह खुद कंडक्ट कराएगा। अच्छा, तो सर क्या पास होने का क्या सिस्टम है, हर विषय में पास होना है कि पूरे इतने नंबर लाना है पास हो जाएंगे, क्या पैटर्न है इसका? सर सभी विषयों में 50% से नंबर ज़्यादा आपके हों, मिनिमम 50%। हर विषय का अलग अलग क्वेश्चन होगा सर? हाँ, हर विषय का अलग अलग क्वेश्चन, मिनिमम 50%। यदि 50% से आपका किसी सब्जेक्ट में कम होता है तो आप फेल माने जाएंगे, फिर आप दोबारा पेपर देंगे। पेपर या दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं? साल में कितनी बार पेपर अटेम्प्ट PCI कराएगी सर आप? साल में यह पेपर 2 बार होगा। अभी के लिए क्या है, अगली बार पेपर कब उम्मीद है कराने के लिए? अगली बार नवंबर में उम्मीद है कि नवंबर में पेपर। लिखित नोटिस या फिर कोई सूचना? लिखित नोटिस 18 अगस्त 2022 को अभी आई है हाल में, जी, कि नवंबर में मे भी है। अच्छा, ठीक है, नवंबर में करा सकता है। तैयारी काफी दिन से चल रही है, तैयारी लगभग 2 साल से चल रही है पेपर कराने के लिए, लेकिन इस बार एक्टिव है PCI, हमें उम्मीद है पेपर होगा। तो देखिए जैसा कि सर ने बताया, और सर जैसे एक जानकारी और रह गई कि बच्चा अटेम्प्ट किया, क्वालिफाई हो गया, तो उसके बाद का क्या सिस्टम होगा? उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन अपने काउंसिल में कराएंगे, यदि उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश फार्मेसी, बिहार के हैं तो बिहार फार्मेसी, जिस राज्य के हैं उस राज्य में अपने फार्मेसी में जाकर अपना सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं। और बिना पास ही वहाँ पर आप नहीं कर सकते? बिना पास हुए नहीं होंगे। अच्छा, तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो सर ने हमें ये जानकारी शेयर की। यदि कोई जानकारी छूट रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, कमेंट पिन आपका है, और जैसा होगा मैं सर से फिर अगली वीडियो में मैं आपको सर से वार्ता करा दूंगा। इतनी देर वीडियो पे रहने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना समय हमको दिया। वेलकम सर।